मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 15 जनवरी, तो हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। और सुबह अभी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि मैं रात में ना लेट उठी थी, क्योंकि कल हम लोग थोड़ा घूमने गए थे, वो आपने व्लॉग में देख ही लिया। सो मैं थोड़ा लेट उठी थी सो के, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं फ्रेशन अप वगैरह हो चुकी हूँ। अभी टाइम है कॉफ़ी पीने का। और आज ना थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि नई चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, भोगी की सब्जी, जो मैंने कभी नहीं खाया इससे पहले। विदर्भ में ना भोगी ऐसी सब्जी कोई हमने कभी खाई नहीं थी। एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये आपको वीडियो में देखने ही मिलेगा। तो कल मैंने ना कुछ रेसिपी देख के रखी थी और उसमें क्या क्या चीज़ लगने वाली है ये सारी चीज़ें मैंने देख के रख दी थी और सारी सामान मैंने ला ली हूँ। और अभी एक्साइटेड हूँ उसे बनाने के लिए और टेस्ट करने के लिए कि बनाने के बाद कैसी लगती है वो सब्जी और उसका टेस्ट कैसे होने वाला है। सो आज बहुत सारे इन्विटेशन भी है और मैं उनके घर जा सकती हूँ क्या, ये भी देखते हैं। सो अभी पहले कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, अभी मैं जस्ट शॉवर लेके आई हूँ और अभी फटाफट से लंच प्रिपरेशन करते हैं और देखते हैं आज भोगी की सब्जी में फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ कैसी बनती है और टेस्ट में कैसी लगती है। सो सबसे पहले मैं आज बनाऊँगी खिचड़ी, और राइस और छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। मकर संक्रांति के दिन ना मम्मी अक्सर बचपन में मूंग दाल की खिचड़ी ही बनाती थी, बहुत ही सिंपल। बट ना मकर संक्रांति के दिन ये जो खिचड़ी है बहुत ही यमी लगती है। पता नहीं, ऐसा तो कुछ भी मसाला वगैरह डाल के नहीं बनाते, बट बहुत यमी लगती है। बहुत ही सिंपल तड़का दिया था मैंने इस खिचड़ी को। तो सबसे पहले थोड़ा ऑयल मैंने ले लिया कुकर में, जीरा और मस्टर्ड सीड, और उसके बाद 2 मैंने मिर्ची खड़ी साबुत डाल दी, और उसके बाद हल्दी डाल के मैंने यहाँ पे राइस और मूंग दाल वॉश करके रखी थी, बस उसी को मैंने इसमें डाल दिया। और थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि खिचड़ी थोड़ी नरम बननी चाहिए, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं 3 से 4 विसल होने दूंगी क्योंकि दाल अच्छे से पक जानी चाहिए। सो गाइस, भोगी की सब्जी बनाने के लिए इतने सारे वेजिटेबल्स है, ये मिक्स वेजिटेबल्स है, और ये सारे हमारे पसंदीदा होते हैं जो भी अभी अवेलेबल होते हैं। और ये है शिंगदाना, ये है गाजर, ये है टोमेटो, ओनियन, और यहाँ है ये बैगन के कुछ टुकड़े, ये है पटैटो यानी आलू, इसे हम लोग बोलते हैं पाल बोलते हैं, और यहाँ पे इसे पापड़ी वगैरह कुछ तो कहते हैं। बेर है, और हरे जो चने होते हैं वो है, इसे हम लोग ना पोपट बोलते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे विदर्भ में इसे पोपट बोला जाता है और यहाँ पे शायद वाल ही बोलते हैं, पापड़ी या वाल कुछ तो होता है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, जो चीज़ मुझे पहचान के दिखती है वो सारे वेजिटेबल्स मैंने लाए हैं, और मटर भी है इसमें। सो चलिए, अभी मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, अभी हम सब्जी बनाएंगे भोगी की। और गाइस, इस भोगी के सब्जी में हम ये तुअल के दाने भी डालेंगे। तुअल की जो ये फली होती है, आई डोंट नो इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है मुंबई में, तो हम इसको छील के इस तरीके से दाने भी डालेंगे। ये देखिए, खराब भी है इसमें। सो ये भी डालेंगे हम भोगी की सब्जी में। तो मैं सारा एक साथ ही वेजिटेबल डालने वाली हूँ। और भोगी में ना मेन इंग्रेडिएंट है तिल, तो हम तिल भी डालने वाले हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति है। भोगी की सब्ज़ी बनाने के बाद मैं अभी साइड बाय साइड बना रही हूँ मसाला ग्रीन पीस, जो कि बहुत टेस्टी बनता है गाइस। और मकर संक्रांति के दिन ट्रस्ट में गाइस इसका जो टेस्ट है ना इतना ज़्यादा एनहांस हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी हमें बचपन में ना इसे एज अ ब्रेकफास्ट हमें मकर संक्रांति के दिन देते थे, तो मैं वो सब चीज़ें ना रिकॉल करती हूँ और ये सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ हर एक ओकेजन में। तो मकर संक्रांति में जो हमारे साथ में हायरकी मम्मी सेट करती थी ब्रेकफास्ट टू डिनर, मैं वही हायरकी में चलती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगती है ये। इसकी रेसिपी ना बहुत सिंपल है गाइज़, आपने तो देखा ही है स्टार्टिंग से। वैसे मैं बता दूँ, एक कढ़ाई लेना है, उसमें ऑयल ले लेना है और ऑयल गर्म होने के बाद में आपको जीरा मोहरी का तड़का लगाना है और अच्छे से इसे मिला लेना है। 2 से 3 मिनट इसे कवर करके रखना है लीड से। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, उसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। और सूखे मसाले में मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालना है, आपको अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है और अच्छे से मिला लेना है। और 5 से 6 मिनट के लिए इसे लीड से कवर करके रखना है और 5 से 6 मिनट के बाद आपकी मसाला ग्रीन पीस बन के तैयार हो जाएगी। इस लंच बनके रेडी हो चुका है और ये थाली मैंने बनाई है रेवन के लिए, जिसमें भोगी की सब्जी है, मुरमुरा का चिवड़ा है और ये फ्राइड मटर फली है, खिचड़ी है और ये 2 तरीके के लड्डू हैं। तो चलिए अभी देते हैं हम ये थाली रेवन को और देखते हैं भोगी की सब्जी कैसे बनी है। फर्स्ट रिएक्शन रेवन का। हाय रेवन, चलो मुझे फटाफट से टेस्ट करके बताओ कि भोगी की सब्जी कैसी। और ये बंदा ना किधर भी घर के कोने में बैठा रहता है। मस्त है, अच्छी है, एकदम सही टेस्ट है इसका। सीरियसली रियली क्या टेस्ट आता है वैसे इसका? नॉर्मल है पर मैंने सब चीज का मिक्स होने के कारण बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। हर चीज का प्रॉपर टेस्ट। तो मैं बहुत बार खा चुका हूँ पर इसका खाने का तरीका और उसमें अगर इल्ली हो तो नहीं होती है ना? नहीं, क्योंकि हम लोग साफ करके और देख के ही उसे यूज करते हैं। और ये चिवड़ा, मुरमुरे का चिवड़ा बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुरमुरे के लड्डू बनते हैं पर चिवड़े में काम चल रहा है। हाँ, हम लोग इधर उधर घूमते ही रहते हैं तो हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता है। और बाकी बहुत अच्छा है, पक्का। चलो मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे टेस्ट करवाओ। मस्त है, अलग से कुछ अलग टेस्ट है। मस्त है ना? ये भी बहुत अच्छी बनी है। दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। आज बहुत सारे इन्विटेशंस थे मकर संक्रांति के। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और ये मेरा आउटफिट है और कैसे लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो गाइस करती हूँ वीडियो को यही एंड, क्योंकि अभी मैं बाहर जाऊंगी, किसी और के घर में मैं शूट नहीं करूंगी इसलिए। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी बन गया है तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। सो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। तिल गुड़ खानी गोड़ गोड़ बोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।